नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की तारीख 26 जुलाई है। इसका आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए करेगा। इसी बीच एनटीए ने नीट एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक अहम नोटिस जारी किया है। एनटीए का ये नोटिस फर्जीवाड़े को लेकर है। एनटीए ने इस नोटिस के जरिए कैंडिडेट्स को चेतावनी दी है कि एनटीए के नाम पर आने वाले फोन कॉल्स, एसएमएस या फिर किसी भी तरह के ईमेल से सावधान रहें। दरअसल एनटीए की जानकारी में आया है कि कई कैंडिडेट्स को नीट संबंधित फर्जी फोन कॉल आ रहे हैं। उनके पास कॉल, एसएमएस या ईमेल एनटीए की तरफ से भेजे जा रहे हैं। इसके जरिए कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन नंबर और उनकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जा रही है, जबकि एनटीए की तरफ से ऐसे फोन कॉल नहीं किए जा रहे हैं। एनटीए ने साफ किया है कि उनकी तरफ से एसएमएस या ईमेल के जरिए कोई जानकारी नहीं मांगी जाती है। इस संबंध में एनटीए ने छात्रों को कहा है कि अगर उनके पास एनटीए की ओर से कोई कॉल, ईमेल, मैसेज आता है तो उसका जवाब न दें, क्योंकि एनटीए ऐसी कोई जानकारी फोन कॉल और एसएमएस के जरिए नहीं मांगता है। एनटीए ने कैंडिडेट्स के पेरेंट्स से भी कहा है कि इस तरह अपनी पर्सनल डिटेल्स फोन या ईमेल पर किसी के साथ शेयर ना करें। एनटीए ने यह भी साफ किया है कि एजेंसी इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। एनटीए ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी छात्र को एग्जाम संबंधित जानकारी चाहिए तो वो एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकता है। एनटीए के नंबरों पर भी संपर्क करके जानकारी हासिल की जा सकती है। एनटीए ने 8287471852, 8178359845, 9650173668, 9599676953, 8882356803 नंबर दिए हैं। आपको बता दें कि 15 लाख छात्रों ने नीट एग्जाम के लिए इस बार रजिस्ट्रेशन कराया है। एग्जाम हिंदी, इंग्लिश के साथ ही 9 अन्य भाषाओं में भी देने का विकल्प होता है। एग्जाम 3 घंटे और कुल 720 अंकों का होता है। इसमें 180 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न के सही उत्तर पर अभ्यर्थी को 4 नंबर मिलते हैं, जबकि गलत जवाब देने पर 1 नंबर कटता है। इस बार यह परीक्षा 26 जुलाई को है। नीट की परीक्षा 154 केंद्रों पर होगी। 1632 कॉलेजों में इस प्रवेश परीक्षा के जरिए विद्यार्थियों को मेडिकल कोर्स में दाखिला मिलेगा। इस परीक्षा को देने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 17 साल और अधिकतम उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए। नीट में सफलता के लिए जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 50% नंबर और PWD कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 45% एवं SC ST या OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 40% नंबर लाना अनिवार्य है। HS न्यूज के लिए रितिका कमठान की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।